बजरंगबली की एंट्री होती है ना, वहाँ से फिर जो पावर आती है ना उनको देख के कि यहाँ की कोई है। 3 घंटे की समझो कि रील है, जैसे कि आजकल शॉर्ट वीडियो चलती हैं, उसी तरह रामायण की एक शॉर्ट रील बनी हुई है। क्योंकि हमारे रामायण में इतनी चीज़ें वर्णित है, उसको 3 घंटे में दिखाना किसी को बहुत मुश्किल है, तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ों को 3 घंटे में दिखाने का प्रयास किया गया बहुत ही अच्छा है। रामायण पर बेस्ड एपिक माइथोलॉजिकल फिल्म आदि पुरुष आज रिलीज हो गई है। एक ऐसी फिल्म जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, जिसके लिए फैंस एक लंबे वक्त से बेताब थे, वो फाइनली आज यानी कि 16 जून 2023 को रिलीज हो गई। फिल्म में एक तरफ प्रभास और कृति सैनन ने भगवान राम और सीता मैया का रोल अदा किया है, वहीं सैफ अली खान ने लंकेश का रोल अदा किया। इसी के साथ साथ सनी सिंह ने लक्ष्मण का रोल अदा किया है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और आइए जानते हैं राजधानी लखनऊ की जनता से कि आदि पुरुष उनको कैसी लगी, फिल्म के VFX कैसे लगे, स्टोरी लाइन कैसी लगी और फिल्म को लेकर उनका क्या कहना है। फर्स्ट डे मूवी देखने का अलग ही मजा है, खासतौर से उस दिन जिस दिन मूवी रिलीज हुई हो। कैसी लगी आदि पुरुष मूवी? मैम, मूवी का ग्राफिक्स बहुत अच्छा है और जो जिस एक्सपेक्टेशन से हम लोग आए थे मूवी देखने कि इसमें रामायण से रिलेटेड टच करके दिखाया गया है, लेकिन उसमें बहुत तोड़ मरोड़ है और बहुत आउट ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया गया है इस चीज़ों को। आपने कहा आउट ऑफ कॉन्सेप्ट, क्या आउट ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया गया? मैम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रामचरितमानस में वर्णित है, लेकिन उसको एडवर्स टाइप में दिखाया गया, मैंने एग्जैक्ट पिक्चराइजेशन नहीं किया गया है उसका। इसमें बहुत सारी चीज़ों में उठा पटक है, उतार चढ़ाव है, आगे पीछे है और ज़्यादा कम है, बहुत सारी। अच्छा, ऑन अ स्केल ऑफ 10 आप कितना रेट देना चाहेंगे मूवी को? मैं इसको ग्राफिक्स और सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से 6 देना चाहूँगा। मैं मूवी में कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? जब ये सबसे लास्ट वाला, जब उन्होंने रावण का वध किया, और प्रभास से ज़्यादा राम की स्टोरी से अच्छा मुझको रावण जो विलन, जिन्होंने विलन का रोल किया, वो बहुत अच्छा लगा। फिल्म कैसी लगी आपको? देखिए, फर्स्ट डे फिल्म देखने का अलग ही मजा होता है। जिस एक्सपेक्टेशन से हम लोग यहाँ पे मूवी देखने आए थे, हमें रामायण में जो दिखाया गया था, देखिए कोई भी अगर मूवी बनाएगा तो पूरी मूवी के 3 घंटे में कवर करना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे रामायण में इतनी चीज़ें वर्णित है, उसको 3 घंटे में दिखाना किसी को बहुत मुश्किल है, तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ों को 3 घंटे में दिखाने का प्रयास किया गया बहुत ही अच्छा है। एक्टिंग बहुत अच्छी की गई, हम लोग उससे सेटिस्फाई हैं। अच्छा, प्रभास और कृति सैनन और सैफ अली खान ने किस अपने रोल से जस्टिस किया है? जी, बहुत अच्छा रोल किया है। प्रभास सर का रोल बहुत ही अच्छा है, बहुत सुपर्ब किया है। श्री राम जी का उन्होंने जो गेटअप बनाया, बहुत मस्त बनाया। अच्छा, अभी तक मतलब रामायण पर जितने भी शोज देखे उससे कितनी अलग थी आदि पुरुष? देखिए, आदि पुरुष में चीज़ों को काट के भले दिखाया गया है, शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन जो चीज़ें हमको देखनी चाहिए वास्तविकता उसको दिखाया गया। क्या लगता है मूवी हिट होने वाली है? हिट होने वाली है, पक्का हिट होने वाली है, तभी तो देख रहे हैं आप, पूरा हॉल भरा हुआ था। तो आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म तो बहुत अच्छी है और मतलब लगा कि हाँ, हम बैठे हैं तो लग रहा कि सीन जो सामने आ रही वो दिख रहा है कि वही चीज़ है। रामायण पे आधारित एक रील्स बनाई गई है, 3 घंटे की समझो कि रील है, जैसे कि आजकल शॉर्ट वीडियो चलती हैं, उसी तरह रामायण की एक शॉर्ट रील बनी हुई है। और मनोज मुंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फिर से एक बार पर्दे पे मतलब लाए हैं, जो बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत ही प्यारी। अच्छा, सैफ अली खान लंकेश के रोल में कितने समर्थ दिखाई दिए? हाँ, उनका भी रोल अच्छा है काफ़ी, लेकिन थोड़ा तो अब रील्स है तो उसी प्रकार तो जाएगा, बाकी जो है कि मूवी बहुत अच्छी हिट होगी, बहुत अच्छी कमाई करेगी। भी तो ठीक थी, बट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि आदि पुरुष आएगी, राम जी का रोल होगा, उसमें चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई जाएंगी, कि वहाँ पे जब वो पुल बनाते हैं समुद्र से होते हुए, वहाँ पे जो गिलहरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है रामायण में, तो वो इन्होंने काट दिया है, मेनली वो काट दिया है कि एक गिलहरी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा रोल है, आप उसमें 2 मिनट का रोल होता है, लेकिन वो दिखा सकते थे। सबसे अच्छा रोल आपको किसका लगा? रोल्स एटलीस्ट सारे अच्छे हैं, लेकिन जब वो बजरंगबली की एंट्री होती है ना, वहाँ से फिर जो पावर आती है ना उनको देख के कि यहाँ की कोई है। क्या लगता है अभी तक रामायण पर बेस्ड जितने भी शोज देखे हैं उनसे कितनी अलग रही आदि पुरुष? आदि पुरुष बिल्कुल डिफरेंट है ना, रामायण का वो कंपेयर ही नहीं है कि रामायण से रिलेट कर रही, रामायण से नहीं है, रामायण से बिल्कुल है। ऐसा लगता है कि एवेंजर्स का बिल्कुल एवेंजर्स का शो दिखाया गया है। नहीं है तो मतलब बात यही है, एक हिसाब से रोबोटिक बनाई गई है, कि मतलब जैसे कि रोबोट नहीं होते हैं उसी तरह के, अलग लेवल का है रामायण। आप देखते हैं तो उसमें जो आप देखते हैं वो चीज़ें अलग हैं, और जो ये आदि पुरुष है उसमें आपको इंट्रो दिया जाता है कि ये हमारे सतयुग में हुआ था,
वो चीजें यहाँ पे हैं। तो मुझे क्या लगता है फिल्म कितना बिजनेस कर लेगी? बिजनेस तो हो चुका है फिल्म का, बिजनेस तो हो चुका है। आज तो फर्स्ट डे था, तो आपको क्या लगता है मतलब जब तक कितना कमा लेगी फिल्म? आए थे घूमने, आए थे हमको मूवी का थोड़ी ना बैठे थे, फिर सोचा कि चलो अच्छा मूवी देख लेते हैं। बस यही है, तो एटलीस्ट बिजनेस तो अच्छा होगा। और हमारा जो एक्टर है हमारा प्रभास, माय फेवरेट, एवरीवन नोज फेवरेट, तो उसके नाम पे भी मूवी चलेगी। आदि पुरुष में लक्ष्मण का रोल सनी सिंह ने किया है, कितने सही लगे लक्ष्मण का रोल अदा करते हुए सनी सिंह? सही लगे वैसे, लेकिन मेन चीज इसमें सीता का ज्यादा नाम ही नहीं लिया गया, जानकी राघव रहा नाम। और मूवी तो सही है, लेकिन इसमें एवेंजर्स का ज्यादा मतलब वो मॉडिफाइड किया गया है। आपके हिसाब से फिल्म एवेंजर्स का मॉडिफिकेशन है, मतलब एवेंजर्स का बॉलीवुड मॉडिफिकेशन, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि उसमें लाइटनिंग मतलब इतनी वो सब एडिटिंग इतनी करी गई है कि मूवी बिल्कुल रामायण के। फिल्म की एडिटिंग से खुश नहीं है आप? खुश तो हैं, लेकिन अरे अब सही लगी लेकिन मूवी। अच्छा ठीक है, ऑन ए स्केल ऑफ 10 कितने रेटिंग्स देंगे आप मूवी को? मूवी के रेटिंग्स तो हम देंगे 90%। फिर क्या, जब आप 90% दे रहे हैं तो फिल्म में आपको बुरा क्या लगा? बुरा तो कुछ नहीं लगा, मूवी हिट जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लखनऊ की जनता का क्या कहना है फिल्म आदिपुरुष को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में VFX का कमाल का इस्तेमाल किया गया है, वहीं कुछ लोगों को फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर फिल्म के गाने, फिल्म का प्लॉट सब कुछ पसंद आया, और प्रभास और कृति सैनन की केमिस्ट्री को सबने थम्स अप दिए। साथ ही इसी के साथ साथ सैफ अली खान के रोल की भी काफ़ी तारीफ हुई कि जिस तरह से उन्होंने लंकेश का रोल अदा किया, काफ़ी दमदार दिखे उस अंदाज में। इसी के साथ प्रभास और कृति की एक्टिंग के भी जमकर तारीफ हो रही है। सबका कहना है कि चाहे प्रभास हो, चाहे सनी सिंह हो, चाहे कृति सैनन हो, चाहे बजरंग बली का रोल अदा करने वाले एक्टर हो, सब ने खूब अच्छी एक्टिंग की है। सब कुछ फिल्म का बहुत अच्छा था, चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे VFX हो, स्टोरी लाइन हो, कास्टिंग हो, प्लॉट हो। तो एक तरह से डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। इसी के साथ साथ ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में फिल्म बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बना सकती है, नए रिकॉर्ड्स बना सकती है, और फिल्म हर तरह से सुपरहिट है। कैमरामैन हरिराम के साथ अफीफा मलिक, आज की खबर।